अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कुरान खानी में नहीं गई? वो घर पे ताला लगाना पड़ता और अब्बा असर की नमाज पढ़ने के लिए गए थे, वो आए तो इसलिए तुम्हें आई हूँ। क्या लेकर आई हो? आलू कीमा। अम्मी कह रही थी खाली बर्तन वापस ना करना। शहनाज तो फिर शहनाज ही है ना, आजकल के पड़ोसी तो सारे तौर तरीके ही भूल गए। आपके घर से भी तो पाबंदी से हर जुमे को बिरयानी आती है, वैसे आज की बिरयानी बड़ी चटपटी थी, आपने बनाई थी? नहीं, आज अजरा भाभी की बारी थी, वो तो कह रही थी दाल बना लेते क्योंकि रात में कुरान खानी में बिरयानी मिलेगी, लेकिन अम्मी ने जबरदस्ती बनवाई। उन्होंने कहा कि बाकी के घर वाले क्या खाएंगे, वो तो कुरान खानी में नहीं जाएंगे ना। सही बात है, मैं भी खूब इंतजार कर रही थी। वनीत आके अपनी चाय ले लो। और ये रही तुम्हारी चाय। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं पी के आई हूँ। थोड़ी सी और पी लो, इलायची डाली है। ओहो, बदतमीज लोग आए ने। जो कहते वही होता है। अरे ना सलाम ना दुआ, आते ही लड़ाई शुरू। इसने दोपहर में दरवाजा मेरे मुंह पे बंद कर दिया था, इसको बताए कि तमीज क्या होती है। बात सुनो, 250 रुपए लाई हूँ मेरे। किस चीज के 250 रुपए? इसने फोन ठीक करवाया था ना मुझसे। हाँ तो उसके बदले मैंने तुम्हें मीठा पराठा नहीं खिलाया था? 250 रुपए का काम करके गया और 500 रुपए का पराठा खा गए। 500 का? हाँ 500 का। तुम्हें पता है आटा कितना महंगा हो गया, और जो तुमने खाया था वो मीठा पराठा था, उसमें चीनी होती है, तुम्हें पता है चीनी कितनी महंगी है? अच्छा, ये जो तुम चाय पी रही हो ना, इसमें दूध भी है, पानी भी है और इलायची भी है। चलो हमारी 700 रुपए की चाय नीचे रखो। चलो ये क्या मेरा तुम्हारा लगा के रखा है, पागल हो गए हो क्या? ये अपनी चाय पकड़ो और वासिफ को भी दो। लेकिन वासिफ भाई तो ना कमरे में ना बाहर है, छत पे होगा। अपनी होने वाली बेगम से बात कर रहे होंगे। चलो उनको रंगे हाथों पकड़े। अच्छा अभी तो तुम लड़ रहे थे इसे। अरे मैं क्या करूं, इसके अलावा मेरे कोई क्राइम पार्टनर भी तो नहीं है। भाभी वैसे वासिफ भाई को तंग करने में बहुत मजा आता है, आप भी हमारे साथ चले ना। नहीं भाई, मुझे तो तुम लोग रहने ही दो। हम लोग ही करते हैं, आ जाओ आ जाओ। अच्छा ज्यादा तंग मत करना,